अंडरस्टैंडिंग समझो, छोटा सा दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें और कुछ नहीं। बैक बॉन्डिंग कब होगी? जब मॉलिक्यूल में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड है। एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, जैसे BF3 है, बहुत अच्छा एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग का। बोरॉन सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो फटाफट, 6sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी हो गई ज्योमेट्री। कोई लोन पे बोरॉन पर नहीं है, तो बोरॉन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा। ये स्ट्रक्चर हो गया ट्राइंगुलर प्लेनर और ये मॉलिक्यूल बन गया, स्टेबल है, पर इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? कहाँ हुआ? 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 स्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, एक्साइटेशन हुआ, मिक्सिंग हुई, ये 1, 2, 3 तीनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया ओवरलैपिंग से मिक्स होकर, sp2 ये मिक्स हो गए ना, तो 3 बॉन्ड बन गए। इसके पास क्या है? एक वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, और फ्लोरीन, कोई भी फ्लोरीन आप ले सकते हो। फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के पास, यूज तो उसने एक ही किया है ना, तो 3 लोन पेयर बचे ना इसके पास फ्लोरीन के पास, तो फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, और बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। लेकिन बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग है उनमें से किसी एक को सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, तब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो बैक बॉन्डिंग कहाँ है? जहां ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल बना हुआ है, लेकिन एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, दूसरे के पास लोन पेयर है, और उनमें से एक सेकेंड पीरियड का है, तो ये क्या कर सकते हैं? बैक बॉन्डिंग, ये एडिशनल बॉन्ड बना सकते हैं। अब इससे होगा क्या? बना लेंगे तो बना लेंगे, इससे क्या होगा? बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बैक बॉन्डिंग इस फ्लोरीन के साथ भी चल सकती है, ये बैक बॉन्डिंग इसके साथ भी चल सकती है, ये बैक बॉन्डिंग इसके साथ, एट अ टाइम एक ही चलेगी। यानी ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये इधर नहीं तो इधर, नहीं तो इधर, नहीं तो इधर घूमता रहेगा ना, और इस घूमने को क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन, यानी रेजोनेंस। और जब भी ऐसे घूमता है पाई इलेक्ट्रॉन, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए BF3 कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल। तो बैक बॉन्डिंग में लिख लो कंडीशन, 3 कंडीशन लिख लो। पहली, वन ऑफ द एटम्स शुड हैव अ लोन पेयर, वन ऑफ द एटम्स शुड हैव अ लोन पेयर। सेकेंड, वन ऑफ द एटम्स शुड हैव अ लोन पेयर। सेकेंड कंडीशन, द अदर एटम शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। कोई भी वेकेंट हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट वेकेंट होना चाहिए। द अदर शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल एंड थर्ड, एटलीस्ट वन एटम शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। एटलीस्ट वन एटम should belong to second period।